चुनौतियों से भरी परिस्थितियों वाले लद्दाख और करगिल से लेकर तीन समुद्रों के मिलन स्थल कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों से लेकर गुजरात के कच्छ की मरुभूमि तक, देश की एक सीमा से दूसरी सीमा तक, दृष्टि जहां जहां जाए वहां वहां आप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को पाएं। I convey my heartiest congratulations to the Central Public Works Department on its 165th anniversary. As one of the largest central government engineering organizations in the country, the CPWD has made a significant contribution towards the process of nation building. My felicitations to all its members, both past and present, for their years of dedication and commitment. 165 वर्ष पूर्व 1854 में स्थापित हुए CPWD को राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय जैसे भवनों के निर्माण का गौरव प्राप्त है। CPWD के 165वीं वर्षगांठ पर आप सभी को बधाई। इस एक साल में हम लोगों ने बहुत दूरी तय की है। CPWD के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, डीलेयरिंग की गई, मैनुअल चेंज किया गया, ERP इंट्रोड्यूस करने की कार्रवाई की गई, डिजिटाइजेशन पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया, पूरा पेमेंट डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, पूरा डिपार्टमेंट इस समय एक नए एनर्जी के साथ, बबलिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और हम लोग इस समय इतने, हमारे पास MOU साइन हो गए हैं और इतने क्लाइंट्स आ गए हैं, क्योंकि मेरा वर्कलोड जो है इस समय, जो टोटल ऑर्डर लिस्ट है, 1,50,000 करोड़ रुपए का है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज में हम लोग को मंत्रालय ने विशेष कार्यभार दिया है, जो हम अच्छी तरह निभा रहे हैं। और आगे वाले आने वाले समय में हम लोग एक बेंचमार्किंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह, एक लाइट हाउस ऑर्गेनाइजेशन की तरह पूरे इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम इसको लीड करेंगे और उसमें देश के विकास में अधिक से अधिक योगदान करेंगे। विभाग ने देश में कई कार्य किए हैं, परंतु अति दुर्गम क्षेत्रों के कई कार्य विशेष रूप से उल्लेख के पात्र हैं। लक्षद्वीप में इंडियन रिजर्व बटालियन, अंडमान और निकोबार के कैंबल बे में कोस्ट गार्ड, पोर्ट ब्लेयर में NIOT, करगिल में केंद्रीय विद्यालय और तवांग में SSB के कार्य। इनके अलावा सामान्य क्षेत्रों के कार्य जैसे CAPT भोपाल, PGI चंडीगढ़, NISM मुंबई, IIT रोपड़, IIT तिरुपति, IISER त्रिवेंद्रम, BSF कैंपस गुवाहाटी, IIM त्रिची, कृष्णा यूनिवर्सिटी मछलीपट्टनम, दिल्ली में अर्धसैनिक बलों के लिए अस्पताल का कार्य कैपफिम्स और NSG बिल्डिंग कोलकाता प्रमुख हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कई ऐसे शोभनीय कार्य हैं जिनका उल्लेख करने में हमें गर्व होता है। ये निर्माण कार्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन प्रायः कृतियों में अद्भुत कल्पना और कार्य कुशलता का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल के निर्माण कार्य को अविश्वसनीय रूप से विभाग ने मात्र 42 दिनों में पूरा कर दिखाया। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में बने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण उच्चतम तकनीक के इस्तेमाल का नायाब नमूना है। इसका निर्माण कार्य 2 वर्षों से भी कम समय में पूरा कर लिया गया। महिपालपुर फ्लाईओवर, जिसका कार्य नियत समय से आधे समय में और लागत में 26 करोड़ रुपए की बचत के साथ पूरा किया गया। गुजरात के दांडी मेमोरियल में दांडी यात्रा को पुनर्जीवित किया गया है। यहीं पर स्थित सोलर पैनल्स को वृक्ष के रूप में सजाया गया है। तकनीक और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा नमूना है सोलर ट्री। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट तथा बनारस के गंगा घाट पर किए गए मनमोहक फसाद लाइटिंग विशेष आकर्षण के कार्य हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने विदेशों में भी उत्कृष्ट कार्य किए हैं। अफगानिस्तान पार्लियामेंट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा नेपाल, म्यांमार और साउथ सूडान में योजना का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर पर दर्शक दीर्घा का निर्माण, हृदय प्रोजेक्ट गया, हृदय प्रोजेक्ट अमृतसर और शिमला में गॉटन कैसल के जीर्णोद्धार के कार्य भी हमारे गर्व का प्रतीक हैं। इस साल में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जिसकी भूरी भूरी प्रसन्नता हुई। नई टेक्नोलॉजी
जो कि रिसोर्स एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, उसका भी बहुत अच्छा प्रयोग किया गया। और अब जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल को एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर किया हुआ है, इसमें जो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आज हमारे पास उपलब्ध है, उस टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग अपने लागू करेंगे अपने कार्य में, इस पे ये विभाग को मैं देख रहा हूँ बार बार सोच रहा है, समझ रहा है, और इनकी एक थिंक टैंक के रूप में, एक नए ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर रहा है, उस रूप में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। लोगों में आज जोश भी है, एक जज्बा भी है। प्रभाकर सिंह जी ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन एक थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, एक लगातार इम्प्रूवमेंट होने वाले ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित हो रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विभाग हर प्रकार के निर्माण कार्य को करने में सक्षम है। भवन, सड़कें, पुल, फ्लाईओवर बनाने से लेकर दुर्गम पहाड़ी सड़क बनाने तक के सभी प्रकार के कार्य करने में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को दक्षता प्राप्त है। The CPWD has become a market leader in adopting new technologies and constructing sustainable buildings. I would like to credit its leadership led by Shri Prabhakar Singh for ushering in this new era. CPWD ने कार्यों को गति देने और गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से भवन निर्माण के कार्यों में 16 उन्नत सामग्री और तकनीकों का समावेश किया है, जिनमें से मुख्य तौर पर हैं मोनोलिथिक कंक्रीट सिस्टम, मॉड्यूलर टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, 3S प्रीकास्ट RCC स्ट्रक्चरल सिस्टम। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मटेरियल के अधिकाधिक प्रयोग, रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा अन्य सभी उपलब्ध तकनीकों के माध्यम से ऊर्जा और जलवायु संरक्षण के प्रति पूर्णतया सजग है। CPWD का हॉर्टिकल्चर विंग नव निर्मित भवनों के चारों तरफ हरियाली भरा प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान कर रहा है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। विभाग के सारे टेंडर ई टेंडरिंग के माध्यम से, सारी पेमेंट्स PFMS के माध्यम से, ई बिलिंग और ई मेजरमेंट के आधार पर किए जाते हैं। ऐसा करने वाला CPWD पहला सरकारी विभाग है। प्रत्येक सप्ताह देश के विभिन्न शहरों में कामकाज की प्रगति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। विभाग में मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर का भी भरपूर उपयोग किया जा रहा है। विभाग में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कई मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों ने उनके साथ अपने संपूर्ण कार्यों के लिए नए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। विभाग के पास तात्कालिक रूप से जो काम का परिमाण है वो इस प्रकार है, 40,000 करोड़ का काम प्रगति पर, ऑर्डर बुक्स में 1.5 लाख करोड़ रुपए का काम दर्ज, सीमावर्ती क्षेत्रों में 30,000 करोड़ का काम स्वीकृति के अंतिम चरण में और 50,000 करोड़ का काम स्वीकृति पाने के अंतिम चरण में। CPWD ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति बेहद सजग है। संस्था निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के बच्चों के लिए निशुल्क रहने, भोजन, शिक्षा और खेल कूद के प्रबंध करती है, साथ ही महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने में योगदान भी देती है। India's journey of becoming a $5 trillion economy by 2024 and a developed nation by 2047 will be anchored in innovative, sustainable and resilient infrastructure development. I am therefore pleased to note that CPWD has chosen innovative development for a new India as the theme for this year's annual day celebrations. CPWD is already a leader in this space and I am certain that its practices will soon be adopted by other such organizations. I once again convey my best wishes to all the officers and staff members of the CPWD and wish the organization success in all its endeavors. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नए भारत के निर्माण के प्रति केवल कृतसंकल्प ही नहीं, बल्कि हर विभाग और संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम है।